हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल विपुल दिस साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस, आपने इतना सपोर्ट किया है। हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। मैं ट्राई करूंगा आपके साथ जेनुअन रिव्यू, जेनुअन नॉलेज एंड जेनुअन अपडेट शेयर करने के लिए, ताकि जो लोग स्टॉक मार्केट कोर्स नहीं अफोर्ड कर सकते है ना, उनके लिए थोड़ी हेल्प हो जाए। सो प्लीज़ यार, अपना प्यार बरकरार रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मुझको बहुत मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, वेद भाई है, ये मेरे वीडियोस पे कमेंट करते हैं जो कि बहुत हेल्पफुल रहता है। तो प्लीज़ यार, मुझको बहुत मोटिवेट करता है। आप लोग से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियोस पे कमेंट कर दिया कीजिए, अच्छे बुरे कैसे भी कर दिया कीजिए, मैं इसको एज अ फीडबैक लूंगा, एज एन मैं अपने आपको इम्प्रूव करने का ट्राई करूंगा। सो प्लीज़ इसमें हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ कमेंट कर दिया कीजिए। देखिए, और ये वीडियो में मैं ट्राई करूंगा एक आपको एक रोड मैप देने का, मतलब जो मेरे वीडियोज़ थे ना उस पर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर एक रोड मैप चाहिए, मतलब जो नया बंदा है वो स्टॉक मार्केट में आ रहा है तो उसको क्या क्या सीखना चाहिए ना। मैं ट्राई करूंगा कि एक ही वीडियो में आपको सब इतने से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर दूं कि आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े, है ना, आपको बहुत हेल्पफुल हो जाए। और हो सकता है कई लोगों को तो कोर्स भी ना बाय करने की जरूरत पड़े। सो ये वीडियो एक लंबा होगा तो मैं इसको पार्ट में डालने का ट्राई करूंगा, है ना, ताकि आप लोग सब लोग देख पाए और एग्जॉस्ट ना हो। तो ये वीडियो में कुछ पॉइंट्स मैं कवर करने वाला हूँ, है ना, कि क्या क्या सीखना चाहिए, क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कहाँ से आप सीख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक नॉलेज मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। सो स्टे विद द वीडियो। सो उससे कैसे भी आपको स्क्रीन विजिबल होगी, ये देखिए कुछ पॉइंट्स मेरे पास अपलोडेड हैं, है ना, मतलब मैंने लिखे हुए हैं। आपको कैसे स्टार्ट करना है मैं ये आपको बता दूँ कि सबसे पहले तो आपको चाहिए चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता देता हूँ कैंडलस्टिक्स ये हैं, है ना, ये कैंडलस्टिक जो बन रही, चार्ट पैटर्न्स जो भी बनते हैं, डबल बॉटम डबल टॉप, इन सबका नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। सारे नहीं बट या जो इंपॉर्टेंट है ना वो आपको याद रखना जरूरी है। ये आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे पुष्कर सर के चैनल पे। वीडियो है वो, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरे को नहीं लगता उनसे अच्छा कोई और समझा पाएगा, उन्होंने पार्ट्स में डाला है बट यार के बेसिकली समझाया है ना एकदम, मतलब वन कैंडल पैटर्न, टू कैंडल पैटर्न, थ्री कैंडल पैटर्न, सो ये सब आपको उनके चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, है ना, पेड कोर्स से भी बेटर है यार, है ना। तो प्लीज़ वो जाके देख लो आप एक बार, आपको हेल्प हो जाएगी। और है ना, ये तो हर बिगनर को ये जानना जरूरी है ना। मैंने भी यार इस पे बहुत वक्त गुजारा है ना, मैंने बहुत सारी जगह से सीखा है ये कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, डबल बॉटम डबल टॉप, है ना, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, फ्लैग एंड पोल, इन्वर्टेड फ्लैग एंड होल, बहुत सारे है ना। और तो ये आप सबको सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है एज एन बिगनर लेवल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट पे अवेलेबल है। कोर्स पे डिपेंडेंट मत रहो कि कोर्स से ही सीखेंगे हम कैंडल, ऐसा नहीं करना है। अभी आप पहले बेसिक नॉलेज छः महीने से 8 महीने तक पहले बेसिक सीखो, उसके बाद ही है ना आप चाहो तो कोई कोर्स कर सकते हो, जो भी आप चाहो। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करने वाला हूँ, है ना। अगर आपको मेरे से रिकमेंडेशन चाहिए तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में डाल दो, मैं फिर आपके अकॉर्डिंगली बता दूंगा, ठीक है, प्लीज़ कमेंट कर देना। अभी चलिए, जो सेकंड है वो हमारे लिए, हमारे जो भी ब्रोकर आप यूज़ करते हैं, कोई भी प्रमोशन नहीं है बट मैं ज़रूरत यूज़ करता हूँ, आपको जो भी चाह आप अपस्टॉक्स या एंजल जो भी हैं आप यूज़ करते हैं उनका स्पेसिफिकेशन जान लीजिए। रिसेंटली प्रॉब्लम क्या हुआ था, मैंने एक गलती से एक गलत ट्रेड लगा दिया था और अराउंड मेरा पोर्टफोलियो 1.5 लाख माइनस दिखा रहा था, ठीक है। तो मतलब जब ऐसा टाइम होता है ना कि आप ट्रेड करते 50K से और 60K से और सडनली आपका अकाउंट इतना है लॉस में दिखाने लगे तो डर लगता है आप क्या करें। सो ये आपको अपने क्या बोलते हैं ब्रोकर के ऐप का जानना जरूरी है कि कैसे इसको यूज करते हैं एटलीस्ट, है ना, स्पेशली बिगनर्स के लिए यार, है ना। तो मेरा काम है आपको बताना जो गलती मैंने की वो आप ना करें, है ना, दूसरे के एक्सपीरियंस से आप सीखें जो ज्यादा बेटर है, एज पर आप इस कंडीशन में फंस जाएं 1.5 लाख माइनस वाली। ओके, तीसरी चीज है, देखिए स्टॉक मार्केट में इंट्राडे है, इक्विटी है, एफएनओ है। मेरे को पता है आप सब लोग को एफएनओ में इंटरेस्ट है, एफएनओ में भी बाइंग में क्यों लगते हैं, 2000 लगता है लोगों की, 2000 लगा दो 10,000 हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। लोग आपको दिखाएंगे कि 10 रुपये का 40 होता है बट भाई 400 का 54 भी हो जाता है, है ना, तो उस चीज़ को भी दिमाग में रखो। दूसरे का पैसा देख के एकदम से मार्केट में मत आओ, क्योंकि पैसा इसमें बनाना इतना इजी भी नहीं जितना आपको लगता है, बहुत सारी एनालिसिस करनी पड़ती है ना। आप मेरा अगर चार्ट देखोगे तो ये तो खाली एक चार्ट ओपन है, ऐसे मेरे पास तीन चार ओपन रहते हैं, तो एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट रहता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो एफएनओ में पैसा बनता है बट रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, सेलिंग से होता है। मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहिए एफएनओ के बारे में, थीटा डे के गामा कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं ये सब के बारे में। प्रीवियस ईयर में हाँ मैं मानता हूँ मैं थोड़ा लॉस में था क्योंकि मैं नई नई चीज़ें ट्राई कर रहा था और मेरा लर्निंग पीरियड था, बट अभी ये नए साल में मैं प्रॉफिट में हूँ, शेयर करता हूँ रेगुलर शॉर्ट्स के फॉर्म में आपके साथ, तो प्लीज़ वो देखा करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर देना कुछ स्पेसिफिक वीडियो पे आपको कमेंट चाहिए। तो चलिए अभी अपन देख लेते हैं, फोर्थ है देखिए किसको आप फॉलो करके सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, पावर ऑफ स्टॉक्स, पुष्कर सर, बूमिंग बुल्स एंड घनश्याम सर, लिखा नहीं घनश्याम सर भी है। इन चारों के अलावा मेरे को नहीं लगता और कोई बेटर है इंडिया में फिलहाल,
है ना, क्योंकि इन लोगों का एक तो सब्सक्राइबर बेस बहुत ज्यादा है और लोग उसी को फॉलो करते हैं जिस जिसका बोला बोलता है ना, मतलब जो जेनरली सिखा रहा है। पुष्कर सर की सीरीज बहुत अच्छी रहती हैं चार्ट पैटर्न की। कैंडलस्टिक बूमिंग बुल्स के पास एडवांस नॉलेज है, मतलब जो एडवांस अपडेट्स आते हैं ना बूमिंग बुल्स के पास वो रहते हैं, है ना। और पावर स्टॉक्स की जो भी पावर स्टॉक्स, ये एक डिफरेंट है भाई, है ना, इनका खतरनाक ही प्रकार का चलता है ये, मतलब इनकी स्ट्रेटजीज मेरे को नहीं लगता कि यार बंदा लॉस कर सकता है ना। बहुत बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस यही है। 2014 से समथिंग इनने स्टार्ट की थी ट्रेडिंग और अभी बहुत बड़ा नाम है ये और बहुत अच्छे में, ये मेरे मेंटर है, मैं इनको सबसे ज़्यादा इन्हीं को फॉलो करता हूँ, बताऊँ जेनुअनली। तो मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इनको फॉलो करिए, है ना, पावर ऑफ स्टॉक सुभाषी सर है। इनके चैनल पे एक प्लेलिस्ट में F&O का प्लेलिस्ट है, वो जाके देखो, आपको बहुत हेल्प करेगी। जो लोग ऑलरेडी 4-6 महीने से है मार्केट में, अगर आपको F&O प्रॉप सीखनी है तो प्लीज़ उनके पास चले जाओ, मतलब उनका कोर्स तो नहीं है बट हाँ आप उनके चैनल से बहुत कुछ सीख सकते हो। मैंने भी बहुत कुछ सीखा, स्टिल मैं सीखता हूँ इन्हीं से, इन्हीं के चैनल, ये 3-4 चैनल है ही है खाली, इनको मैं फोकस करता हूँ और यही मेरी नज़र में यही है। आपकी नज़र में अगर कोई है तो आप उसको जाके देख सकते हैं, बट मैं सिर्फ इन्हीं 3-4 पे फोकस रहता हूँ और इन्हीं के कारण मैं अभी तक ठीक ठाक सीख पाया हूँ। देखिए, और जो लास्ट है वो नो कोर्स रिक्वायर्ड। देखिए, अगर आप 6 महीने से 8 महीने आपको हो चुके हैं तो भाई कोर्स अभी आप देख सकते हो बाय करने के लिए, अगर अभी भी आपकी ट्रेडिंग में एज नहीं है तो। ठीक है, मैं बोलूँगा अगर आप नए हो मार्केट में आना चाहते हो तो प्लीज़ थोड़ा सेल्फ स्टडी पे फोकस करो, है ना। सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्फ स्टडी से आपके बहुत सारे डाउट्स आएंगे, फिर अब वो डाउट्स लिखो और अगर आपको लगता है नहीं क्लियर हो रहा है यूट्यूब से, देन आप कोई कोर्स बाय कर सकते हो। रिकमेंडेशन कोई दूंगा नहीं, है ना, कि जिसका आपको सही लगे आप उसका कर सकते हो। ये कोर्स का मेरा बहुत ज्यादा पंगा होता है क्योंकि अभी रिसेंटली भी हो गया था, ये बड़ी अच्छी बात कही है। पोलाइटली तरीके से निकल गया, है ना, तो इसलिए मैं तो कोई रिकमेंड नहीं करूंगा। आप लोग अपने एंड से देख सकते हैं, अगर आपको रिकमेंडेशन चाहिए है तो प्लीज कमेंट कर देना, है ना, और आपके व्यू बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको ठीक ठाक सा कोई कोर्स सजेस्ट कर दूंगा जो मुझको लगेगा सही है, ठीक है, आप सबके लिए। सो होप सो गाइस आप ये सब चीजें समझ गए होंगे, ये बेसिक नॉलेज है कि बंदे को स्टॉक मार्केट में आने से पहले क्या क्या सीखना चाहिए, है ना। आपको इस पे अगर इन सब में बोलूँ तो सबसे पहले ये तो आपको सीखना ही चाहिए, है ना, कैसे यूज करना है, क्योंकि यार स्टॉक मार्केट रिलेटेड टू मनी एंड मनी इज वेरी सेंसिटिव, ओके, फाइनेंस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो अगर इसमें थोड़ा भी आपने गलत ट्रेड या गलत ट्रेड इनिशिएट कर दिया ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा पंगा हो जाता है उसको रिजोल्व करने में और कोई आपको सॉल्व नहीं आता क्या करें। सो ये थोड़ा अच्छे से सीख लेना। F&O पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दो, मैं इस पर ट्राई करूंगा, आपको एक प्रॉपर सीरीज बना दूँ, है ना, ताकि आपको और कोई इस मेरे को F&O का कोर्स सीखना पड़े। मैंने इतने सारे सुभाषी सर इन सब के वीडियो F&O के देखे हैं तो मैं ट्राई करूंगा आपको एक कंक्लूजन में ही एक वीडियो बना दूं ताकि आपको और ज्यादा इधर उधर नहीं भटकना पड़े। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, इतनी मेहनत कर रहे हैं। अभी इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है जिसमें मैं F&O के बारे में और बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करने वाले हूँ इंटरेस्टिंग। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़ जाइए हमारे साथ, है ना, ऐसे ही आगे बढ़िए, सपोर्ट करिए, प्यार बरकरार रखिए, अपन आगे बढ़ते रहेंगे। सो चलिए इसके साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। सो होप यू गाइज आपको ये वीडियो पसंद आएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। अभी तो मैं ट्राई करूंगा आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँ, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और कुछ इंपॉर्टेंट अगर आपको रहता है कुछ पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में डाल देना। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही अपन आगे बढ़ते रहेंगे। मिलता हूँ अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।